ओम शांति। 26 अक्टूबर के शुक्रवार में सुबह 16 थे। परमात्मा कहते हैं, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भवा। परमात्मा ने जो वरदान दिए उनको समय पर टाइम पे यूज़ करना है। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। जैसे कल का वरदान, परसों का वरदान, संतुष्टता के बारे में था, उनको कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। हर दिन हम सुनते हैं वरदान लेकिन बोलता, अरे वाह आज बाबा ने बड़ा अच्छा कहा, लेकिन खुद के जीवन में यूज़ किया कि नहीं किया, संतुष्ट मणि है कि नहीं है कल के वरदान के हिसाब से। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं लेकिन उसे फलीभूत करना है। परमात्मा ने कहा कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप अपने जो रॉयल स्थिति है, ऊंच स्थिति है, उससे आपको उतरना नहीं है। ये परसों का वरदान था कि हम वैसे हैं, साक्षी भावा होकर के हम देख रहे हैं, ये भी आपको देखना है। इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो। मतलब बाबा ने जो कहा है वरदान में, साक्षी भावा होकर मैं देख रही हूँ कि नहीं देख रही हूँ आत्मा, मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं हूँ आत्मा, अपने आपको चेक करते रहना है सारी चीज़ों को, का पानी दो। पानी दो मतलब बार बार उसको याद करो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, धूप और पानी, तब जाके पौधा बढ़ता है ना, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। फिर जो पेड़ उगेगा, मतलब कि जो प्रैक्टिस होगी उसके थ्रू फल क्या मिलेगा, उस प्रैक्टिस का फल अच्छा मिलेगा। ओम शांति।